নমস্কার সবাইকে, আমার নাম সায়ন্ত সেনগুপ্ত। আপনারা দেখছেন চায়ে চ্যাম্পিয়ন্স উইথ কলকাতা থান্ডারবোল্টস, এন্ড টুডে উই হ্যাভ আ ভেরি স্পেশাল গেস্ট উইথ আস। টুডে উই হ্যাভ আ পার্সন হু ইজ নট জাস্ট দ্য স্কিপার অফ আ ভলিবল টিম, হি ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট ইন্সপিরেশন, নট জাস্ট ফর মি, নট জাস্ট ফর দ্য পিপল হু প্লে ভলিবল, বাট ফর অল দ্য পিপল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হু ওয়াচ ভলিবল। টুডে উই হ্যাভ আশ্বল রায়, হু ইজ অ্যান এম্বডিমেন্ট অফ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ডিটারমিনেশন। थैंक यू सो मच आश्वल भाई हमारे शो में आने के लिए। आप पहले बताइए कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप सामने हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज आप दो तीन दिन हो गए कोलकाता में हो, आप कैसा लग रहा है आपको ये शहर? बहुत अच्छा, पूरा कोलकाता टीम हम पूरा घूम रहे हैं, सब फोटोशूट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस देखने को मिला, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप बहुत ही आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ कोलकाता को विजिट किए, विक्टोरिया मेमोरियल आपने देखा, प्रिंसेप घाट और बहुत ही अच्छा अच्छा जगह, इन सब में आपको बेस्ट कौन सा लगा कोलकाता में? बेस्ट एक मेमोरियबल हॉल था ना उधर, अच्छा और हमारा स्टेडियम बहुत अच्छा लगा, स्टेडियम भी आपको बहुत अच्छा लगा। तो स्टेडियम से याद आया मुझे वॉलीबॉल, तो ये दिल के काफ़ी करीब है आपका। हाँ, तो अगर हम लोग किसी रोल डाउन मेमोरी लेने लिटिल बिट एंड चलिए बात करते हैं आपके चाइल्डहुड के बारे में, कि जब आपने चालू किया, आप थोड़ा बता सकते हो कब आपने चालू किया? एक्चुअली मैं जब बचपन में स्पोर्ट्स नहीं था मेरा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, जो स्कूल में बच्चे लोगों को खेलने को दे रहा है वो खेल रहा था बस। और मैं PUC के बाद, 12th के बाद मैं डिग्री में, सेकेंड ईयर डिग्री में ज्वाइन किया वॉलीबॉल ऐसे प्रोफेशनल। उसके बाद स्पोर्ट्स हॉस्टल वो सब, मेरा पापा का जान पहचान था उधर, तो हमारा कॉलेज का PD ने उनसे कांटेक्ट करके मुझे हॉस्टल में डाल दिया। स्कूल में आप बाकी स्पोर्ट्स खेलते थे? हाँ, स्कूल में हाँ खेल रहे थे, मतलब कोई कंपटीशन नहीं गए। अच्छा, क्रिकेट खेलते हो ना? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट में आउट कर दूंगा आपको मैं, आउट हो जाऊंगा। आउट हो जाऊंगा, कितने हंबल हो। He is one of the most humble athletes you will ever meet. It's been 2 days since I'm interacting with him. He's one of the most humble athletes with him. And he, his parents has played a huge role in his life. So, थोड़ा सा बताइए कि मतलब कितना बड़ा रोल आपके मम्मी और पापा ने प्ले किया है आपके लाइफ में? मम्मी पापा ने मेरे साथ दिया है, पर मेरा बहुत मेरा बैक साइड लिया पूरा कंप्लीट मेरा भैया ने। सुनील राय उसका नाम, थोड़ा उनके बारे में बताइए। हाँ, वो मतलब मुझसे 7 साल बड़ा है, वो बहुत दूर रहा था पहले पढ़ने पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ मैं घर में रहता था, वो बाहर रहता था। उसके बाद वो मतलब मैं जब वॉलीबॉल जाने वाला था, वो उसको काम मिला था, तो मुझे पेमेंट के लिए सब, मुझे मेरे पास पैसा नहीं था, तो घर में भी मतलब मत जाओ घर छोड़ के अभी ऐसे बोले थे, तो मैं भैया से पूछा तो वो मैं दूंगा मतलब मेरा मतलब PG के लिए प्रैक्टिस के लिए, मेरे घर से मैंगलोर सिटी जाना पड़ेगा, तो उधर सब कुछ देखा भैया ने, तो मैं जाओ मैं हूँ, तुम प्रैक्टिस करो करके, और इम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड एवरीथिंग फूड उसके लिए मेरा साथ दिया भैया ने। और मैच खेलने के बाद वो कभी इतना मैच देखने नहीं आता मेरे, अभी भी मैं खेलता हूँ तो बहुत कम देखता है, वो काम करता है, पर उसका सपोर्ट अलग है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। बिल्कुल, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली कि मतलब अ लॉट ऑफ अस थिंक दैट कि जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग बस मैच देखने आते हैं, वही मतलब सीन में है, बट देयर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड द सीन्स एज वेल, जैसे कि आपके भैया जो कि एक बहुत ही डिफरेंट रोल आपके लाइफ में प्ले किया है, कि फंडिंग का भी जब आपका इशू था कॉलेज डेज में, कॉलेज में किसके पास पैसा होता है, कॉलेज में फंडिंग के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे से बोला, बट देन ग्रेजुअली आपने इंडियन टीम के लिए भी खेला। फॉर दोज हु डोंट नो, ही इज अ मार्की प्लेयर ऑफ द इंडियन वॉलीबॉल टीम इज वेल, ही रिसेंटली वेंट टू मॉल्डीव्स फॉर 40 डेज एंड ही बैग्ड अ लॉट ऑफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स ओवर देयर, वी विल कम टू इट इन अ बिट, बट आप थोड़ा सा बताइए कि इंटरनेशनल डेब्यू आपने कब किया, कब इंडिया का जर्सी आपने पहली बार पहना है? इंडिया में पहली बार खेला Under-23 इंडियन टीम, तब वो पहली बार स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, वो म्यांमार में हुआ था कंपटीशन, तो मैं जब तक मैं इधर एजुकेशन होने के बाद फिर से मैं उधर तमिल कोयम्बतूर में वो किया प्रोफेशनल वॉलीबॉल उधर, मतलब उधर ज्वाइन किया, उसके बाद ये सिलेक्शन मिला
तो एक पहली बार मिला था मुझे अंडर 23 में, वो भी पहली जर्सी, मतलब मैच जर्सी अलग है, प्रैक्टिस जर्सी अलग है। पहले मिला मुझे प्रैक्टिस जर्सी इंडिया टीम का, इंडिया लिखा था, वही अच्छा लगा था। बट इमोशनल हो गए थे आप, आंसू आए थे क्या कुछ? आंसू नहीं आए थे पर इमोशनल हुआ था। इमोशनल हो गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब हर एक स्पोर्ट्स में, मतलब वॉलीबॉल बोलिए, क्रिकेट बोलिए, फुटबॉल बोलिए, सबका बचपन से एक सपना रहता है कि एक दिन मतलब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ। एक दिन वर्ल्ड वाइड सब देखेंगे कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो फीलिंग आपका कैसा था कि जब फर्स्ट टाइम आप कोर्ट में जा रहे हो, मतलब 1.7 बिलियन पीपल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वाज दैट अ वेरी गुड फीलिंग फॉर यू? मतलब अभी जब ही जाते हैं तो इंडिया मिलना, इंडिया जाना बड़ी बात नहीं है, मतलब इंडिया मिलना बड़ी बात है, पर उधर जाके जो परफॉर्मेंस देख के तब मेंशन होगा कि मतलब उधर अभी ईरान सब टॉप टीम है, जापान वर्ल्ड में सब टॉप टीम है, उनको क्यों रिप्रेजेंट, मतलब उनको क्यों ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं ऐसे, उधर जाके खेलते हैं ऐसे, इतना डेडिकेशन करते हैं, इतना कॉम्पिटिटिव मतलब देते हैं, वैसे ही हारते हैं तो भी कॉम्पिटिशन देख के हारते हैं, मतलब जापान अभी ईरान वो सब ऐसे खेलते हैं इसीलिए उनका नाम है। हमारा अभी तक ऐसा नहीं हुआ, हम इंडिया जा रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हार रहे हैं, पर उधर ऐसा कोई गेम हुआ नहीं हुआ, अभी बहुत कम होता है, पर कंपेयर टू अदर टीम्स, बेटर टीम्स ऑफ एशिया एंड वर्ल्ड, हम एक जैसे ही नहीं खेलते, ऊपर नीचे होता है, वो करने से अचीवमेंट होता है। आई थिंक ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने हाईलाइट किया है यहाँ पे कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे होता है, कि आप कंप्लेसेंट ना हो जाओ कि जब आप इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे अचीव करने के लिए वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। लॉट ऑफ पीपल दे मेक देयर इंडिया डेब्यू एंड देन दे गेट कंप्लेसेंट, कॉन्फिडेंट होके देन द गेम गोज डाउन। बट आपने जो एक चीज़ बोला है अभी कि कॉन्फिडेंट नहीं होने के लिए, नॉट टू गेट ओवर कॉन्फिडेंट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, तो इट्स अ ग्रेट थिंग विच यू हैव हाईलाइटेड ओवर हियर। बट आई थिंक अशोक भाई, मुझे लगता है कि हर एक के लाइफ में ना एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए, एक मेंटर के तौर पे कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो कि कोच या फिर मेंटर, जिसको यू लुक अप टू दैट पर्सन एंड मतलब उनके वर्ड्स एकदम गोल्डन है आपके लिए, ऐसे कोई मेंटर है आपका लाइफ में? हाँ, मेंटर मतलब मुझे जब भी डर लगता है, मतलब कोई ऊपर नीचे होता है तो मन में, तो मैं भैया को कॉल करता हूँ, उठाता नहीं है, फिर बाद में वो कॉल करता है तो कभी कभी कम मिलता है, फिर क्या है कि मेरा हर मैच जो भी जाता हूँ तो जो मेरा क्लोज दोस्त है वो लोग कॉल करते हैं या कॉल मैं करता हूँ उनको, जब उनसे बात करता हूँ मैच के बारे में बात करता हूँ, पर दूसरे बातों में ये वो हमें दोस्त वाले बात है उसमें हम इससे दूर खींच के लेके जाता है, तो उसमें एक अलग सा एक पावर मिलता है कि ये मेरे दिमाग में नहीं रहता कि मैच के बारे में, तो ये सब मुझे लिए प्लस, मेरे लिए प्लस है वो, मैं ऐसा हूँ तो उसमें अच्छा लगता है, मतलब दोस्त और मेरा भैया, इन दोनों को मैं अप्रोच करता हूँ। अप्रोच करते हो, उनको बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा बेस्ट फ्रेंड है नयन भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड? नयन भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और भी कितना बेस्ट फ्रेंड है आपका? बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कितना आपके पास लाइफ में कितना बेस्ट फ्रेंड है? ये गिन के नहीं रखते, वो आपको फील होता है। मैं भी बेस्ट फ्रेंड हूँ आपका भी। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं बने अभी तक। okay. पर यू आर माई, मतलब क्या बोलते हैं, वार्निंग चल रहा है, अच्छा है भाई। थैंक यू सो मच। बट ओके, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। बट रिसेंटली आप मॉल्डीव में खेले, आपके सोशल मीडिया में हम लोग देखा कि आप बहुत मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब कैसे, हाउ थिंग्स पैंड आउट इन मॉल्डीव, और आपको अच्छा लगा वो टूर्नामेंट खेल के? पहले गया तो बहुत अच्छा फील आया, अच्छा हर टीम में के 3 इंडियन प्लेयर्स थे, बाकी सब मॉल्डियन प्लेयर्स थे। बाद में पहले मैच में मेरा, हमारा 3 प्लेयर में एक का इंजरी हो गया, बुरा लगा, पर टूर्नामेंट कंटिन्यू करना था। फिर मैं और रंजीत भाई साथ में फाइनल तक खेले, वो भी 5 सेट लगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद हमको मतलब वो परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए मुश्किल हो गया, मतलब दो लोग इस बहुत लोड मिलता है खेलने के लिए। उसके बाद वो टीम
टीमर्स के साथ हम सब टूर सब गए थे उधर रिसॉर्ट, और शार्क को छुआ मैं, मतलब टाइगर शार्क नहीं, मतलब वो डेंजर शार्क नहीं, इजी शार्क हाँ उधर खुदे छुआ, और अलग पानी अलग फील, मुझे डर लगा फिर भी छुआ, फिर ऊपर आ गया, वो लाइफ में उधर ही मिलता है फीलिंग। बट वो शार्क को आप देख के डर नहीं लगा? नहीं, मेरे से लंबा था। अच्छा, मुझे स्विमिंग नहीं आता, मैं वो जैकेट पहन के गया, फिर दो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था भाई, एक शार्क में और बिना स्विमिंग नहीं आता, मैं सीधे समुंदर में कूद गया, फिर कूदना ही है मुझे सोचा था, मैं कूदना है कूदना है, फिर शार्क का और एक अंडर वाटर सब देखने का। आप फ्यूचर में देखते हो ऐसे इंडियंस और फॉरेन टूर्नामेंट पे ऐसे खेलते हुए फ्रेंचाइजीज में? डू यू सी दिस हैपनिंग मोर ऑफन फॉर इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर्स? यस डेफिनेटली, अभी पहले कंपेयर किया तो अभी ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, ज़्यादा लोग को बुला रहे हैं। जैसे इंडियन प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुला रहे थे पहले, अभी ऐसा नहीं है। अभी मीडिया में सब जगह लाइव चल रहा है, मैच को देखते हैं तो प्लेयर्स तब नज़र आते हैं, पहले ऐसा नहीं था। इंडिया टीम सिर्फ इंडिया टीम का फोटो आता था, दिखाते इंडियन टीम में इसको बुलाते हैं, ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। मीडिया में सब जो सब लोग देख सकते हैं तो इसमें वो पिक करके ले रहे हैं। अभी तो हमारा प्राइम लीग स्टार्ट हुआ, अभी तो पूरा बड़ा मार्केट बन गया है, अभी सबको दिखाई देगा, तो बहुत लोग बुला सकते हैं। अच्छा है, सब प्लेयर्स इसको देख के छोटे बच्चे भी ट्राई करेंगे। अभी आप क्रिकेट क्यों बहुत लोग खेल रहे हैं, पेरेंट्स क्यों छोड़ रहे हैं ऐसे? एब्सोल्युटली, अभी प्राइम वॉलीबॉल लीग का आपने बात किया, दैट्स प्लेड अ ह्यूज रोल इन यू नो मार्केटिंग दिस एंटायर स्पोर्ट। अभी छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे गलीज में खेलेंगे वॉलीबॉल बिकॉज ऑफ थंडरबोल्ट्स कप विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कोलकाता थंडरबोल्ट्स इटसेल्फ। सो उसके वजह से आई थिंक ऑन अ ग्लोबल लेवल ये स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। बट आई वॉन्ट टू टच अप ऑन वन पॉइंट, अश्वल भाई आपने इंजरी के बाद किया था, तो लास्ट सीजन जो हमारा फर्स्ट सीजन था जहाँ पे हम लोग जीते थे, तो तीन मैच के बाद आपकी इंजरी हो गई थी, उसके बावजूद आपके आप खेले और वो रेजिलियंस फैक्टर था, वो वॉरियर मेंटालिटी था आप में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि कैसे, मतलब आपको पता है कि अगर मैं नहीं भी खेलूँ तो भी टीम अच्छी है, बट आपको जाके वहाँ पे प्रूव करना है कि नहीं, द कैप्टन शुड फेस द शील्ड, द कैप्टन शुड बी द शील्ड, तो वो मेंटालिटी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि मतलब ऐसे बचपन से आपका ये रेजिलियंस फैक्टर था। जैसे आपने बोला मैं था, पर मैं ऐसा खेला था कि इंजरी के बाद वो मुझको मुझे मैं नहीं देख सकता, मतलब ऐसे मैं पहले डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट आया, फिजियो से पूछा क्या क्या हाल है, और मेरा पेन मुझे पता है कौन से मोमेंट में होता है, प्रैक्टिस में चेक किया, फिर वो कॉन्फिडेंट देता है खुद को, हाँ मैं ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे मोमेंट सब, फिर ऐसे ही फिजियो से पूछा क्या खेल सकते हैं क्या, रिस्क क्या है बोले, पर मेरा मूवमेंट हो रहा था क्या उधर, जब भी अभी वो मैच भी हार गए थे हम जहाँ बाहर बैठा था, और फोर्थ मैच भी हम फाइट होके हारे थे, इंजरी होके खेला था मैं, पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, फिर मैं सोचा कि अभी या इंजरी ज़्यादा होना है या मुझे खेलना है, मैं ऐसे सोच के गया था बस। और अगर फुल टीम देखे कि टीम का जो कप्तान है, he is taking so much onus on himself, he is taking so much responsibility, तो जो मैसेज जो जाता है टीम में वो बहुत ही अच्छा है कि they will give their जान on the field, they can do anything on the field, and बहुत प्लेयर के साथ जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ सब बोलते हैं कि you are the heart and soul of the team, आप एकदम हार्ट बीट हो टीम के, तो टीम कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एक तो चीज़ है कि हम लोग पता है कि ऑन फील्ड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, टीम प्लेयर्स एवरीबॉडी इज अ चैंपियन इन द टीम, बट आई फील दैट ऑफ द फील्ड ऑल्सो द टीम मैनेजमेंट प्लेज अ ह्यूज रोल, व्हेन यू विन अ ह्यूज लीग इट्स नॉट पॉसिबल इट्स ओनली द 6-7 प्लेयर्स हु आर देयर ऑन दैट टीम, इट्स ओनली द 10-12 प्लेयर्स इन द स्क्वाड, आप बताएं कि टीम मैनेजमेंट का कितना रोल था वो फर्स्ट सीजन में विक्ट्री के लिए? पहले मतलब नॉर्मल था, हमको कैंप था केरला में,
उसके बाद हमें फेस टू फेस मिलना वो सब मुश्किल था, पर पटेरिया सर ने कहाँ से, कलकत्ता से उधर आए थे क्या, कहाँ पर हमारा केरला में कैंप हो रहा था, उधर फ्लाइट लेके आके एक दिन में आके हम फोटोशूट करके हम सब से बात करके पर्सनली बात करके, चाय भी पीजिए ठंडा, हाँ फिर ओ मतलब ऐसे सब बात करके फिर हमारा हालचाल पूछ के क्या कमी है सब पर्सनली आके पूछ के गए थे। मतलब मुझे नहीं पता कोई ओनर ऐसा किया होगा, ऐसा कौन करता है, फ़ोन पे पूछते हैं या लोग रहते हैं उनसे बताते हैं। फिर इधर आए मतलब हैदराबाद मैच वेन्यू, उधर हम एक्चुअली ये है कि दो तीन मैच जीते, दो मैच हारे नहीं, दो मैच जीत के दो मैच हारे कुछ हुआ। उसके बाद पटेरे सर ने एक दिन कोरोना टाइम पे भी परमिशन लेके उधर आके हमें लिए एक आधा घंटा मोटिवेट स्पीच दिया, मतलब के कुछ टर्न हुआ उधर, मतलब वो फीलिंग आया जो उनके बातों में एक एक वर्ड्स मतलब एक एक सेंटेंस वो मुझे हमको हाँ सच्ची है ये ऐसा है करके ऐसा फील दिलाया उन्होंने, सही था। फिर उसके बाद हम मैच जीतने लगे, मतलब सब लोग एक होके खेलने लगे, सब अच्छा होने लगा। फिर सब और हमारे लिए मीडिया और मीडिया वाले सब मैनेजमेंट कोलकाता थंडरबोल्ट्स फैंस और वीडियो बना के भेजना, इतना सपोर्ट मुझे दूसरे टीम में तो नहीं दिखा, हमारे टीम में इतना सपोर्ट मिला बहुत बढ़िया है। और कोलकाता में इतना बड़ा फैंस, इतना बड़ा मतलब वॉलीबॉल उठा रहे हैं वो लोग, वॉलीबॉल बच्चे अभी बड़ा कर रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं वो लोग, ऐसा कोई टीम अभी तक नहीं कर रहा, सिर्फ कोलकाता थंडरबोल्ट्स कर रहा है। Absolutely. बहुत मतलब बहुत अच्छा बात है वॉलीबॉल के लिए। And I think Kolkata Thunderbolts एक मतलब vision को देखते हैं कि not only the team should perform, volleyball as a sport कैसे grow कर सकता है, वो Kolkata Thunderbolts का vision है। जैसे आपने बताया कि पवन कुमार पटोडिया सर ने ये किया था, आप लोगों को motivation बहुत ही दिया था, motivating speech बहुत ही दिया था, and exactly team management का भी काफ़ी important role रहता है bonding के लिए। और आप लोग कोरोना के टाइम पे फरवरी 2022 में बायो बबल में खेले थे आप, मतलब एक महीना आप कहीं पर नहीं निकल सकते हो, बाहर का खाना नहीं खा सकते हो, घर का खाना तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते हो बाहर हो आप, बट वो टीम बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट होती है कोई टीम के लिए कि आप एक साथ रह रहे हो 30 days, आप कहीं पर नहीं जा सकते, एक ही रूम नहीं मतलब एक ही जगह पर आप हो एंड एवरीथिंग। तो टीम बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा बोलिए कैसे होता है। मतलब हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, मतलब 12 लोग इंडियन प्लेयर्स है, इधर उधर जाके ओपन टूर्नामेंट्स खेलते हैं, ऑल इंडिया खेलते हैं, तो एक दूसरे को जानते थे। उधर आके ऐसा लगा कि 12 दोस्तों को परेशान करने के लिए एक घर में छोड़ दिया, तो अच्छा रहा, हम मस्ती किए, बहुत अच्छा रहा हमको। हम लोग भी न्यू सीजन को वी रियली वांट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बट कमिंग टू न्यू सीजन आप रिटेंशन के बारे में थोड़ा सा बोलिए, आर यू हैप्पी दैट द टीम हैज रिपोज फेथ इन यू एंड वापस से आपको रिटेन करना चाहते हैं? या 100% मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोग हमको, मुझे मतलब मुझे विनीत और जनसाद को रिटेन करने वाले, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम हॉनर है हमारे लिए। एग्जैक्टली, एंड हम लोग भी आपको एक्शन में बहुत देखना चाहते हैं वॉलीबॉल कोर्ट में। और कोई मतलब ऑक्शन में ऐसा कोई प्लेयर्स है जिनको आप चाहते हो, एक दो प्लेयर का नाम बता दीजिए। बहुत लोग प्लेयर्स है, मतलब मेरा दोस्त भी है, ऐसा है कि मेरा दोस्त है लेना है करके ऐसा नहीं है ना, पर मैं हम लोग देखेंगे, अभी टीम का मैनेजमेंट का पार्ट भी हो गए तो पहले लिस्ट आएगा, उसके ऊपर डिपेंड है कौन कौन है, अगर नया प्लेयर डाले तो उनको भी देखना New पड़ेगा। प्लेयर्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल होता है कि यंगस्टर्स को आप होन करो, उनके स्किल्स को देखो, तो यंगस्टर्स को आप देखना चाहते हो कि आप आए कोलकाता थंडरबोल्ट्स में। बट थैंक यू सो मच अशोक भाई, मुझे ये इंटरव्यू में बहुत कुछ सीखने को मिला, आई एम श्योर सब व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पे, और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन एक्शन। थैंक यू सो मच अशोक भाई, वेलकम, खेल पे बांग्ला जीत पे बांग्ला।